बहुत दिनों से हम मतलब घर से फरार हैं। तो भाई दोस्तों माँ के सू मिल पाया जे इतनी दूर सू और केबा मतलब यान फैन कौन कह सका क्योंकि ये यूट्यूबर छे टॉक का यूट्यूबर नहीं नहीं फैन फैन कौन कह सका फैन छो लेकिन खे कौन सका क्योंकि थे यूट्यूबर भी जो साथ में फैन अबार जी ऐसी कोई बात कौन मैं कोई का फैन कौन मैं भी कोई का फैन रहे हो जा हाँ जी माँ का कम सब्सक्राइबर रहे हो जाएगा ना जहाँ का मैं फैन रहे हो जा ऐसी कोई बात कौन वो तो सबको सबको सोच अलग रहे हो जा सबकी पसंद अलग लग रही हो जाए भाई कुन ना कुन का वीडियो पसंद है तो ये भी भाई इंस्टाग्रामर जो है काफी बड़ा जाए ये छोटा मोटा कौन है यूट्यूबर भी काफी बढ़िया जाए मधुमक्खी बैठी जी मारा अंडा है ना मैं नहीं क्यों भगा भगा यार खा गई दी गए कौन खाई भाग गई तो मन तो यहाँ समझ दुई दाम छोड़ भाग जाओ है ना हाँ तो भाई दोस्तों केबा मतलब टोंक सु काफी दूर सु आए जाए केबा मतलब मार्क्स मिल भाई और बहुत अच्छे लगे यहाँ से मिले और ये भी यूट्यूबर जाए बड़ा यूट्यूबर जाए और जानता होला भैया थे न जानो जो तो भाई बता दो था काय नाम से चैनल को चिंकू पोसवाल वो एक गाना कौन कही कैसे हो जाए धर्म सिंह पोसवाल फेमस है और ऊपर रील से बना जो बार काय पे नहीं वो काय छे नहीं 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 गलत बात गाड़ी कौन है बिल्कुल सही जब वो गानो गलत कौन है वो बिल्कुल सही जब वो जो गारियो जाएगा ना वो खुद का घर वाला को ऊपर ही गारियो जो भाई दूसरों कोई ऑब्जेक्शन ना करे अच्छा बात है हाँ तो भाई दोस्तों मैं आगा छत पर रील्स वील्स बना आगा का नाम से चिंकू पोसवाल ब्लॉग सा देख लीजिए काफी बढ़िया यूट्यूबर जैसी कोई बात कौन है तो भाई मार्क्स मिल भाई अब मैं बना लिया रील्स और रील्स बनाऊ एक नंबर है ना हाँ इंस्टाग्राम पर है ना भाई कैसे कैसे रील्स बनावाला जे देख लीजिए वर है ना और आज को मौसम देखो कहीं शानदार मौसम हो रही है भाई दोस्तों शूटिंग चल रही है शूटिंग एक नंबर चल रही है भाई दोस्तों माँ की बन गई रील्स वील्स और रील्स की शूटिंग बहुत बढ़िया होगी एक नंबर रील्स बनी जाए और आपने यूट्यूब चैनल पर भी रील्स तो आई जाओ लिया ना हाँ नहीं तो वो दूसरा चैनल जो अपना ऑफिशियल माया मीणा डांस का नाम तो उम्र सर्च मार लीजियो रील्स एक नंबर आओली है ना वो तो बहुत दुखद दास्तान है यहाँ की लव मेरिज है भाई बहुत आंखिया में आंसू आ गो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े जब तो भाई दो शब्द था लव मैरिज के बारे में ज्यादा नहीं ज्यादा था मैं कौन लेऊं था को मैं हां तो भाई वो हमारी लव मैरिज है और हमने मतलब बहुत दिनों से हम मतलब घर से फरार हैं और इनसे मिलने आए हैं और तो इनसे मिलकर में बहुत खुशी हुई इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और हमारी लव मैरिज है उन देख लीजिए दोस्तों इतना आसान नहीं होता कि लव मैरिज करना भी क्या क्या परेशानी होती है लव मैरिज के अंदर तो इनसे मिलने के बाद में मेरे को पता चला क्योंकि हमारी तो लव मैरिज है नहीं हमें तो पता है नहीं इस चीज का तो इनके मतलब इनके जो सुने ना सुन के बड़ा ऐसा अजीब सा लगा यार कितना कितना कुछ करना पड़ता है लव मैरिज में घर वालों से दूर हो घर वालों से मतलब मिल बात नहीं होती घर वाले बात नहीं करते हमारे से तो एक दिन नहीं रहा जाता बात करे वगैरह अब सांस इतने दिन अब यहाँ हकीकत में से हाँ। आंखों में आंसू आ गए रोब लगी ये तो पता नहीं क्या सही चे सही चे सही चे तो भाई दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी हुई यहाँ से मिलर और रही बात देखो दूसरी बात यह लव मैरिज क्या बात मतलब यहाँ की कास्ट एक ही है न गोतड़ी न काई ये भी गुज्जर गांव भी अलग अलग है न कास्ट मिल रही न नहीं हाँ कास्ट तो मिल रही है हाँ भाई ये भी गुज्जर है ये भी गुज्जर है गोत भी अलग अलग है गाँव भी अलग अलग है लेकिन फिर भी खैर वो तो सबकी परिवार परिवार की बोरे हो जवा हाँ लेकिन धीरे धीरे सब हो जाओ छे ऐसी कोई बात को ना अब यहाँ का घर वाला तो सब राजी छे यहाँ का घर वाला कौन है हाँ तो यहाँ का वो तो हमारे हिसाब से बताए जो हाँ तो यहाँ का घर वाला भी राजी कौन है यहाँ का घर वाला भी राजी कौन है लेकिन आबाड़ा टाइम पर राजी है जाओ ऐसी कोई बात कौन है मैं खुद कह रही हूँ ये चीज और माँ का वीडियो के माध्यम से था टोंक का नरा देखा जो वीडियो थे दिखा हो लवन बिल्कुल बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया आदमी से भैया नाराज भी चौकी बात कौन लग
से हो गई है, कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं, हो गई तो कोई बात नहीं, अब इनको अपनाओ। हाँ हाँ, इनको भी होती है, याद तो आती है, याद तो आवे छे, मजबूरियां है इनकी भी, ये रहते हैं दूर, बस अब कहीं जब तो शादी होगी, सारा सब गलती थी बचपन से, इनका गलतियां हो गई, सबसे कर लेते हैं। हां भाई, अभी अभी इनको भी इच्छा होती है आप सबसे मिलने की, तो अगर कोई घर में से कोई भी अगर वीडियो देखे तो प्लीज बुला लेना इनको घर पे मिलने के लिए। तो राम राम जी दोस्तों। तो दोस्तों आज आए छा मार्क्स मिल भाई, एक कपल आए जा के बाद मतलब टोंक सो, तो वे के बाद मतलब लव मेरी छीवा की, तो के बाद मतलब देखो दोस्तों, मैं देखो माँ की मन की बात बता दू, मैं तो देखो मन तो खैर के बाद मतलब देखो बुरो मत मान जो, लेकिन मन कहीं से लव मेरी से मैं शुरू से खिलाफ छू, क्योंकि माँ बाप चाहे के ना पाल पोसर अपना बच्चा ना इतना बड़ा करे जाए, बेटी ने मान लो पाल पोसर इतना बड़ा करे जाए, रुको बाद में वो फिर भाग और दूसरा तो शादी कर वो, तो वहाँ का मन की ऊपर जो ठेस पहुँचा चल जाए वो माँ बाप ही जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि के बाद मतलब खुद की कास्ट में तो खैर कोई दिक्कत को ना, लेकिन दूसरी कास्ट का मैं जिया मान लो छोरो जिया मान लो मैं मीणा का चूँ या मान लो रेगरा का चाहे कोई भी नहीं बता रही तुम्हें तो ना, है ना यार अलग अलग कास्ट रहे हो ना, तो जी जी का मैं दिक्कत आ जाऊँगा कि बाद मतलब ऐसा प्यार तो करना ही नहीं चाहिए भाई, ऐसे मान लो वो तो खैर हो जाता होगा, मैं नहीं मानती ना, लेकिन फिर भी ये चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि अपन तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जिस दौर से अपने घर वाले गुजरते हैं ना, उनको एक ताने लोग ताने मार मार के एक एक हर चीज पे वो ही जानते हैं कि उनपे क्या गुजरती है, तो वैसे कोई बात नहीं है आज के जमाने में भाई। देखो तो देखो दूसरी कास्ट अलग अलग कास्ट रहे हो जाए ना, वहां की जिंदगी के बाद मतलब रहो कौन, वहां की जिंदगी के बाद में बच्चा जाओ जाए बच्चा यहाँ बाद में फिर शादी हो जाए बच्चे की, जब अलग अलग परेशानी वो भाग दे टाइम तो भाग जाओ जाए, फिर बाद में पछताओ भी जब बहुत ज्यादा, तो ये आज कपल आए जाए तो ये तो वही को ना के बाद मतलब यहाँ को तो देखो एक ही कास्ट का जाए और गांव भी अलग अलग जाए गोत भी अलग अलग जाए, वो तो काय पे तो कहीं आई वो तो भाग वो तो घर घर का के बाद मतलब मजबूरी होली है कि खैर मैं मान सकूँ जो ये चीज ना, क्योंकि न माने अलग घर का लेकिन मान जाना चाहिए घर का, क्योंकि कास्ट ही है यहाँ तो कोई दिक्कत ही कौन, मैं तो कह बाग मतलब इंटर कास्ट शादी करे जाए ना, वहां के लिए बता रही हूँ कि बाग मतलब बुरो मत मान जो, लेकिन जो जाय छे जो छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मारी बात ले काफी गुस्सा होला या ये सोचला, लेकिन मैं खुद को मन पर ले सोच जो कि माँ बाप कतरा खुद को पिताजी बचपन में अंगुली अंगुली पकड़ चलाओ जाए और उनको बाद में चुप जाए फील नहीं होती जिस टाइम पे आप माँ बाप बनोगे ना, जब जाके आपको ये चीजें फील होगी, ये बात कहना चाह रही मैं तो बात काट मरी आंगली पकड़ पे जब माँ बाप बड़ा करे जाए तो वहां वहां का मन पर जो बीता जाए जो बे तो बही जाना था कि समझो को बोलो है ना। तुम्हारो तो यही खेबो देखो दो लव मैरिज को ना अरेंज मैरिज करो, माँ की खुद की लव अरेंज मैरिज है, माँ की काहे कसी जब बता मैं अरेंज मैरिज और हम हमारी लाइफ में खूब खुश है, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, अरेंज मैरिज करने वाले को खुशी नहीं मिलती या उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब आप हमको देखते हो ना, सही बता रही हूँ, कभी भी ऐसा भी नहीं है कि हम लड़ते हैं, मान लो खर छोटी मोटी बातों पे हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक मिनट या दो मिनट से ज्यादा हम बोले वगैरह आज से 7 साल हो गए हमारी शादी में, हमको ये याद नहीं है कि एक दिन भी हम ऐसा रहे हैं कि हम बिना बोले रहे और मजाक करे जो मई को रात तक को नियम जो मैं कभी भी हाथ फोन उठाई दोस्तों। माँ को तो यही कहना चाहिए की मतलब यहाँ का जो भी घर का जो माँ को वीडियो देख रहे जाए, अब होगी जो होगी, अब अपना बच्चे थे माफ कर दो, अब भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, इनके तो सब चीजें नॉर्मल है, आप चाहो तो अपना सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे भी चाहते हैं ये चीज, क्योंकि उनसे मिलकर हमको भी फील हुआ ये चीज, उनसे मिलकर मतलब खुश हुआ, हमको भी खुशी मिली, अच्छा लगा, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी थे, जी तो खेरेज में था ना अपना, कोई दिक्कत को ना, बड़ा टाइम पे मेहनती आदमी जाए काफी बड़ा यूट्यूबर बना ला, ऐसी कोई बात बनते खुद देख लीजिए बढ़िया जाए, बोल बाग टैलेंट बहुत बढ़िया जाए दोनों ने, और एडिटिंग सारा सब कुछ बढ़िया हो जाए अपना, वो कुछ भी कौन है मतलब है ना भाई, लड़ाई झगड़ो थोड़ी सी देर को रहे हो जाए के बाद मतलब गुस्सा नाराजगी, अब तो और भाई जब आप घर वाले अपना लोगे ना तो बाहर के लोग अपने आप मजा लेंगे, कोई कुछ कह ही नहीं सकता उस चीज को लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आप मिला था और एक और दो चार फोन आ रहा था, एक जना का सुबह से फोन आ रहा था भाई हम आपके घर पे आना चाहते हैं आना चाहते हैं, तो वे भी आ रहे थे, देखा देखा कौन से कहीं से वीडियो के माध्यम से थानू मैं बता दिला बने रहे वीडियो को मैं। तो भाई दोस्तों ये आज मार्क्सम मिलवाया है, तो ये अपना यूट्यूब का वीडियो देखा जाए, यूट्यूब फैन है, बताओ किसी जगह से आए थे? सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया, सीतापुरा इंडस्ट्री, और थे भी सीतापुरा चतराला, सीतापुरा महात्मा गांधी से सीतापुरा, भाई सीतापुरा से इतनी दूर से मार्क्सम मिलवाया थे, यहाँ को तय दिल से धन्यवाद। तो वीडियो कहीं लगे थे अपना? बढ़िया लगे थे,
अच्छा एक नंबर। हाँ तो भाई हाँ तो बहुत अच्छे लगे यहाँ से मिलर तो भाई इतनी दूर से एक पर्सनली वहाँ से मिल पाया चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वीडियो देखा था बहुत अच्छा वीडियो था भाई। जब भी इतनी दूर तक आ गा हाँ जी भाई साहब हाँ सब्सक्राइब भी कर रखे जाओ कौन कर रखे जाओ बता दी कैमरा चलू जाए दोस्तों अब ये कहा कैमरा चलू कर तीन बताओ सब्सक्राइब कर रखे जाए कौन कर रखा मैंने यहाँ लगे जाए की फोन कर क्या सब नहीं बताओ बताओ यार जायज बात है यार ये तो हाँ यार ये हाँ तो बताओ नेट बंद है नेट ऑन कर ले तो यार हाँ यार कर तो रखे यार जायज बात वास्तव कई कई जगह ना कई कई से देखो बुरा मत मान जाए क्योंकि कई कई वो आ जाए ना लेकिन सब्सक्राइब ही कौन कर रखे नोटिफिकेशन आ जाओ अपना कहने का हाँ वीडियो डल गो बस ही आ जाए। तो भाई यहाँ से मिल बहुत खुशी हुई काफी दूर से मिलवाया जाए तो बहुत बढ़िया कोई परेशानी थोड़ी है लोकेशन देखा